नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है, पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी, सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिल करके कुछ अशुभ योग बना देते हैं जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इसी इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दे, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, यार अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके, मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनि देव का, और शनि देव के साथ, शनि देव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी, और 17 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो महामध्य तक तो अच्छी रहेगी, महामध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमजोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे, गुरु की स्थिति फिर भी काफी अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के।
और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये, 8 दिन ये अस्त रहेंगे, 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा, बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं धनु लगन के जो जातक हैं उनके विषय में कि भाई आप धनु लगन के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2022 का राशिफल क्या कहता है और क्या है गोचर में ग्रहों की स्थिति, किस प्रकार के परिणाम आपको अलग अलग क्षेत्रों में ये ग्रह देने वाले हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और पहले सबसे पहले यही बता दें जो आप भी जानते होंगे, आप में से बहुत जानते होंगे धनु लगन के जातक, कि देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 जो है वो चल रही है, ये उसका अंतिम चरण है जो चल रहा है, जो कि अभी 29 अप्रैल तक चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शनि के, मैं इससे पहले के उपाय तो मैं अंत में दूंगा ही, ये भी बता देता हूँ अभी कि शनि के उपाय अवश्य करते रहिए। शनिवार के दिन जा कर के शनि मंदिर में अगर जा सकते हैं तो वहाँ जा कर के आप शनि महाराज के आगे माथा टेकें, सूर्य और क्षमा कीजिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके आप जो है वो चाहे तो शनि महाराज के मंत्रों का जप कर लें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर आप शनि स्तोत्रम कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर लें, ये कर लें एवरी सैटरडे, ये जरूरी है आपके लिए। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आपके बनेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये उपाय हमने जो आपको शुरू में ही दे दिया है ये अवश्य करते रहिए, बाकी जो और उपाय हैं छोटे छोटे वो हम राशिफल के बाद बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के कि इस महीने प्रोफेशन के हालात कैसे रहने वाले हैं आप धनु लग्न के जातकों के लिए। तो देखिए प्रोफेशन के जहाँ तक बात है मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा एक राजयोग बना रखा है आपके दशमेश ने, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग। तो देखिए और एक ही राजयोग नहीं है, दो दो राजयोग हैं, एक लगन में भी है सूर्य शुक्र का राजयोग है, तो स्थिति तो आपके अच्छी ही रहेंगी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, मतलब हालात जो हैं वहाँ पर आपको अच्छे ही रहेंगे आपके साथ, आपको सफलता मिलती रहेंगी समय समय पर और आप उन्नति भी कर सकते हैं, कोई जनवरी 2022 में आपकी उन्नति भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और अच्छे अच्छे अवसर भी आपको मिलने चाहिए जैसे ग्रहों के राजयोग बना रखे हैं, जैसे ग्रहों ने मिलकर के आपके चार्ट में, उस हिसाब से आपको अच्छे उन्नति के अवसर भी इस जनवरी 2022 में जरूर मिलने चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैंने आपको ये भी बताना है कि देखिए आपके जो सीनियर्स हैं
वो भी आप पर बड़े अच्छे तरीके से मेहरबान रहने वाले हैं। ये भी मैं आपसे बता दूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, आपके ऊपर उनकी कृपा रहेगी। और जो व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ उनके रिलेशन और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और नए नए क्लाइंट्स उनके ऐड हो सकते हैं, तो व्यापार भी उनका उन्नति करेगा। और जब रोजगार में आपके सीनियर ऑफिसर्स का आपके ऊपर हाथ रहेगा, उनकी कृपा दृष्टि रहेगी, तो पदोन्नति के योग तो बन नहीं है फिर, ऐसा कुछ ग्रहों की ओर से इशारा मिल रहा है। तो कार्य क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में आपका जो एनर्जी लेवल है ये डाउन जरूर होगा, इसका ध्यान रखें, ये नहीं होना चाहिए डाउन, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर वो आप ही के लिए सेटबैक है। तो ये इसका ध्यान रखिएगा, अपना एनर्जी लेवल जो ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपका नीचे आएगा बीच बीच में, उसको मत आने दीजिएगा। आगे बात करेंगे आपसे आपके वित्तीय स्थिति की, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, आपको सुखों की प्राप्ति कैसे होनी है कि नहीं होनी है। तो देखिए, वित्तीय स्थिति के भी जो हालात हैं आपके, ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो माह के आरंभ से माह के मध्य तक थोड़ी सी स्थिति, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी सी स्थिति रह सकती है, थोड़ी कमज़ोर। ऐसा नहीं है कि धन का अभाव हो जाएगा, धन का आगमन नहीं होगा, धन का आगमन भी होगा, धन आपके हाथों में भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लगेगा कि भाई मात्रा कम है, या कुछ थोड़ी धन की कमी महसूस करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। कुछ अधिक धन की आवश्यकता हो आपको, उसके मुकाबले में इतना धन आपके पास ना हो पाए, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो हैं 16 जनवरी से और माह के अंत तक जितनी आय आपको होगी, उससे कहीं अधिक आप धन खर्च करेंगे। तो इस चीज पर अगर आप नियंत्रण कर पाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अनावश्यक रूप से धन का खर्च ना हो, इस बात का ध्यान आपने 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में रखना है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से ये संकेत मिल रहे हैं कि आय से अधिक खर्च, इस बात की स्थिति मतलब पैदा हो रही है। ठीक है, अब हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि आप कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, वहाँ पर भी आपका धन खर्च हो सकता है उस यात्रा को लेकर के लिए। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अच्छा, सुख सुविधाओं का लाभ जहाँ तक है वो भी सामान्य रूप से ही उठा पाएंगे, ज़्यादा नहीं, सामान्य रूप से चलता रहेगा, आप उठा मतलब कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त हो रहा है सुख सुविधाओं का, ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए, प्रेम संबंधों की बात हम कर रहे हैं तो ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो पहले से ही आप लोग रिलेशनशिप में हैं, जो जातक जिनका पहले से अफेयर चल रहा है, उनकी इस जनवरी माह में 16 जनवरी से और 31 जनवरी के जो बीच का समय, ये उनके लिए बहुत ही एक तरीके से फेवरेबल टाइम है, बहुत ही उनके अनुकूल टाइम रहेगा। ये ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये रिलेशनशिप आपकी, लेकिन ये एक चीज़ और भी मैं बता दूं यहाँ पर आपको, ऐड करना चाहूँगा इस बात में कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरफ को भी इशारा कर रही है, शारीरिक संबंध जो अभी तक अगर नहीं बने हैं तो अब इस ओर इशारा कर रही है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर ये चीज से अवगत करा दिया है, अब आपको देखना है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप रहेगी, वो भी 16 जनवरी से 31 जनवरी, लेकिन 16 जनवरी तक का जो समय होगा 1 जनवरी से लेकर के, ये सामान्य रहेगा, ठीक, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन 16 से अचानक 31 के बीच में जो ये डेवलपमेंट होगा, उससे हमने आपको अवगत कराया है शारीरिक संबंधों को लेकर, जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आगे बात करेंगे आपके वैवाहिक सुखों, मतलब जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक सुखों को लेकर के। तो आपको बता दें कि पूरे माह कभी तो आप बहुत अत्यधिक अपने जीवन साथी के ऊपर प्यार उड़े लेंगे, बहुत ही अधिक, वो भी अचरज करेगा कि भाई आज क्या हो गया, आज कहीं सूरज पूरब की जगह पश्चिम में तो नहीं निकलने वाला है,
आज ही मैं अपने पार्टनर का क्या किस तरीके का देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और कभी एकदम आप एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये स्थिति बनेगी पूरे महीने। मतलब प्यार भी खूब होगा जब होगा और तकरार भी खूब होगा, दोनों स्थिति रहेंगी। तो विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन का हाल ये रहेगा जनवरी में, आप धनु लग्न के जो जातक हैं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए पारिवारिक संबंध आपके इस महीने जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। 14 जनवरी से और 31 जनवरी तक का जो समय है इसमें आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आकर के कुछ तनातनी बन सकती है किसी बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर के परिवार के सदस्यों, लेकिन जो 14 जनवरी तक का समय है वो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही आपका सहयोग उनको मिलेगा, उनका भी आपको प्यार और सहयोग प्राप्त होगा, बहुत अच्छा है। 14 के बाद से लेकर 31 के बीच तक का जो समय है इसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि संबंध सुचारू रूप से चलते रहें सही दिशा में। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के, संतान को लेकर के कैसा रहने वाला है। देखिए साहब, जो छात्र हैं उनकी जो शिक्षा को प्राप्ति को लेकर के जो ग्रह इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, वो ये है कि परिस्थितियां 1 जनवरी से 16 जनवरी तक आपके विपरीत रहेंगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी तो परिणाम कहां से अनुकूल आ जाएंगे, परिणाम भी नहीं मिलेंगे। तो परिणाम अगर आपने प्राप्त करने हैं तो फिर क्या करना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है अधिक से अधिक मात्रा में। हाँ, इतना अवश्य है कि माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में परिस्थितियां आपके काफ़ी हद तक अनुकूल होंगी, उनका आप लाभ ले लें। तो जो कमी पहले 15 दिन में रही है एजुकेशन में प्राप्त करने में, उसकी कमी आप यहाँ पर पूरा कर लीजिए। जब ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा महामध्य से, उसका आप लाभ लें, अपने परिणामों को सुधारें। तो ये स्थिति रहने वाली है ग्रहों की आपके लिए, छात्रों के लिए। संतान की भी बात कर लें अगर, तो देखिए संतान के विषय में भी बताना चाहेंगे कि संतान आपकी जो है आपसे माता पिता से थोड़ा दूर जा सकती है, दूरी बन सकती है आपके और उनके बीच में, यानी कि चाहे वो अपने कार्यों को लेकर चाहे अपनी एजुकेशन को लेकर के वो कहीं दूर जा सकते हैं इस जनवरी माह में, ऐसा कुछ हो सकता है पढ़ाई को लेकर के या रोजगार को लेकर के, तो ये होगा। लेकिन जहाँ तक परिणामों का प्रश्न है तो संघर्ष का समय है, साफ साफ तौर पर हम बता रहे हैं ये बात, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। संतान के लिए स्ट्रगल का टाइम है और स्ट्रगल कर लेना चाहिए, परिणाम आगे चल करके आशा के अनुरूप प्राप्त होंगे, ये संतान को लेकर के है। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए साहब, स्वास्थ्य जो है आपका माह के 16 जनवरी तक 1 जनवरी से लेकर, तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य में मतलब अस्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा, बिगड़ गया, बिगड़ता रहा, फिर सुधर गया थोड़ा सा, फिर ज़्यादा बिगड़, तो मतलब स्वास्थ्य जो है ज़्यादा अस्वस्थ रहेंगे 16 जनवरी तक ज़्यादा ही। हाँ, 16 के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा आपके, बिल्कुल सुधार होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप एकदम बिल्कुल भले चंगे, लेकिन पहले की कंपेरेटिवली सुधार जो है आपको होता दिखाई देगा, कमी आएगी। अब उपाय क्या किए जाएं? उपाय ये किए जाएं, सबसे पहला अगर अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना चाहते हैं आप धनु लग्न के जातक, तो शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें और गाय को अपने हाथों से देसी घी खिलाएं, रोटी पर रख करके साथ में सफ़ेद मिठाई खिलाएं या पूड़ियों पर रख करके खीर खिलाएं। अगर आपने ये कार्य किया तो इसमें आपके दो फायदे होंगे, एक तो स्वास्थ्य बेहतर होगा और दूसरा आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके शत्रु विरोधी जो पक्ष है वो शांत होगा। दूसरा उपाय आपने क्या करना है? दूसरा उपाय करना है मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जा करके बैठ जाएं और उनको चोला चढ़ाएं, और ये चोला जो है आप 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में जितने मंगल आते हैं, एक या दो जो भी आते हैं, उसमें ये कार्य करें, तो आपका क्या है वैवाहिक सुख जो है वो जो डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, उसमें कमी आएगी। दूसरा उपाय ये बताया है हमने आपको, और तीसरा उपाय क्या करना है? बुधवार के दिन
आपने गाय को ही हरा चारा खिलाना है। इससे आपके कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आपके लिए रास्ते क्लियर होंगे सफलता के, उन्नति के। और एक सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने, ये जरूर काम करें। तांबे के कलश में सूर्य देव को जल अवश्य देना। तो ये थे उपाय जो आपको करने हैं, छोटे छोटे, करने से ही आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लग्न के जातकों का मासिक राशिफल जनवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस कार्यक्रम का जो ये वीडियो तैयार हो रहा है, इसको भी अधिक से अधिक मात्रा में अगर शेयर करते हैं तो बाकी और लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, वे भी इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही जो बेल आइकन आपने देख रहे हैं, इसको अगर आप दबाएंगे तो ज्योतिष से संबंधित हमारे जो दूसरे कार्यक्रम अभी बनने हैं उनके जो वीडियोस हैं वो आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे उनको देख करके। तो ये था चर्चा मासिक राशिफल को लेकर के धनु लग्न के जातकों की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।